नाविक सर, मैं आपसे कृष्ण कुमार पटेल के संबंध में कुछ जानकारी लेने आया हूं कि आपके ऊपर में ये ब्लेम लगाया जा रहा है कि कृष्ण कुमार पटेल को बेवजह निकाल दिया गया पद से, तो इसके बारे में सिर्फ आप ये बताएंगे सर, क्या आपके द्वारा निकाला गया है? देखिए क्या है कि कृष्ण कुमार पटेल का जहाँ तक मामला है, मैं जब जिला लघु वनोपज महासमुंद में पदस्थ था, जी उस समय मतलब कार्य कर रहा था, और वहां से मेरा तबादला हुए लगभग 8-9 महीना हो गया। मैं तबादला होकर के दूसरे दूसरे पद पे आ करके मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, और वहां पे दूसरे साहब आ चुके हैं, और कार्य से पृथक करने वाली बात है। तो मैं तो 9 महीना से वहां है ही नहीं हूं। जब मैं वहां पे था तब उसके द्वारा मतलब ऐसा क्यों नहीं, साहब DFO साहब प्रबंध संचालक और साहब लोगों के पास ऐसा कोई आवेदन नहीं है किया इसने, या तो और कोई मतलब या तो मेरे से भी नहीं आके बोला कि मतलब ये मामला है। जब मैं तबादला हो गया, 9 महीना हो गया, आज ये मैटर आ रहा है, तो इसका जवाब तो मैं क्या दूं? वो संबंधित जो जिला लघु वनोपज वाले हैं वही दे सकते हैं इस संबंध में। जी चलिए, तो इस संबंध में जो आपके ऊपर जो ब्लेम लगाया जा रहा है कि मुझे निकाला गया है, तो आपका कार्य क्षेत्र यहाँ है, इस ढंग से वो कहना इनका किस ओर इशारा हो रहा है? अब तो ये तो वही ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि क्यों निकाला गया। मैं तो कार्य से जब था वहां पे, तो यही क्या, और श्रमिक जिनके बजट के अभाव में कार्य से कुछ लोगों को और पृथक किया गया था, हो सकता है कि बजट के अभाव में इन लोगों को कार्य पे न रखा हो। जैसे ही बजट आएगा, मांग भी किया गया था बजट का, तभी तक पता नहीं, अब मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि 8-9 महीने मेरा तबादला हो गया। तो इस संबंध में जिला लघु वनोपज के दो अधिकारी हैं, वही ज्यादा विस्तृत जानकारी दे सकते हैं।